सीक्रेटली गिविंग फूड। पटना में बिज्जू कहकर एक आदमी रहता था। वो किसी काम काज के बिना बेकार में घूमता रहता था। उनके माँ पिता कितना डांटने से भी बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन बिज्जू के पास उसका दोस्त तरुण आया। अब तरुण को देखकर बिज्जू, क्यों रे सुबह सुबह मेरे पास आ गए हो? देखो तुम कितना कहने से भी मैं नहीं बदलता हूँ। मैं भी मेरे दादा जैसा दान और धर्म करूँगा, अद्भुत करूँगा और भी बढ़िया नाम और इज्जत कमाऊंगा। कहा तब तरुण, देखो बाबू तुम्हारा दादा ऐसे ही दान और धर्म करके करके तुमको और तुम्हारे पिता को हाथ में भीख मांगने का कटोरा छोड़कर चला गया है। तुम भी उनके जैसे बनोगे तो बहुत मुश्किल होगा, कहकर चला गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन बिज्जू को सिटी के सेंटर में लंगड़ते हुए जा रहा एक आदमी दिखाई दिया। वो एक जगह पर रुककर भीख मांग रहा था। उसको बहुत देर तक गौर करके कोई दान नहीं करने के वजह से उसके पास जाकर बिज्जू 100 रुपए दान किया। तब उनसे बिज्जू, देखो मेरा हाथ का बोनी बहुत अच्छा है, अभी से तुमको अच्छा भीख मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या है, नया आए हो क्या? पूछा तब वो आदमी, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे कोई नाम भी नहीं है, हर कोई कैसे पुकारते हैं वैसे ही पेश आता हूँ। कहा तब बिज्जू, नौ रॉकी नौ, इस पल से मैं तुम्हें रॉकी कहकर नाम रख रहा हूँ। मैं ही तुम्हारा माँ पिता और सब कुछ बनता हूँ। अच्छे से इधर ही बैठकर भीख मांगो, अगर कोई भी कुछ कहे तो तुम इस बिज्जू का वारिस कहकर बोलो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम इधर ही भीख मांगो और उस गहनों के दुकान में से एक छोटा अंगूठा खरीदना है, इतना कमाना है। इतना ही नहीं, आज से तुम मुझे डैडी कहकर बुलाओ, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन बिज्जू तरुण के साथ जाकर रॉकी को पता चले बिना फूड पार्सल को उसके जगह पर रखकर चला गया। ये बात तरुण को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तरुण उस पार्सल के बारे में पूछने से बिज्जू, अरे गुप्त से दान करेंगे तो बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कहा बाद में वो रॉकी को खाना खिला रहा हूँ कहकर दिखाई देने वाले सब लोगों से कहने लगा और उन लोगों को रॉकी को खाना नहीं देने के लिए कहने लगा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन तरुण और बिज्जू बाइक पर जा रहे थे तो उनको अच्छे से चलते हुए रॉकी दिखाई दिया। उसे देखकर हैरान होकर गाड़ी को रोककर बिज्जू, अरे रॉकी तुम्हें पैर नहीं है कहकर इस डैडी को ही झूठ कहते हो, इस डैडी को गलत तरीके से समझा है क्या? पूछा तब रॉकी, बात वो नहीं है डैडी, अगर हाथ पैर सही से होंगे तो सब लोग काम करो कहते रहते हैं, आपके जैसे तो मुझसे काम नहीं होगा, कहकर उधर से चला गया। उसे देखकर तरुण, अरे तुम पगले गए हो क्या, उसे देखो कैसा है, सांड के जैसे मजबूत है, उसे देखकर मुझे तो शक हो रहा है, चलो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। कहा तब बिज्जू, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ही इज माई ड्रीम सन, मेहनत नहीं कर पाकर बेचारा बहुत मुश्किल से पैर नहीं रहने वाले जैसे भीख मांगने वाला मेरे रॉकी को ही तुम अपमान करते हो, फिर भी इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, गाँव वालों को उसका पैर ठीक है कहकर हम ही बता देंगे। कहा अगले दिन तरुण और बिज्जू दोनों मिलकर रॉकी को फिर से सीक्रेटली खाना देने के लिए उसके जगह पर गए, लेकिन उधर रॉकी नहीं दिखाई दिया, उनके पीछे एक छड़ी पकड़कर था। तब बिज्जू से रॉकी, क्यों रे दरिंदर कहीं के, तुम क्यों मुझे ऐसे चिपक गए हो, मैं तो भीख मांगकर कुछ सेटअप करके जीने के लिए देख रहा हूँ, तो तुम्हारा दरिंदर मुझे चिपका रहे हो, रोज खाना तुम ही खिला रहे हो कहकर लोगों से कहते हो, एक भी एक रुपए भी नहीं दे रहे हैं पता है तुम्हें, और अब मेरे पैर भी सही है कहकर कहोगे, क्यों रे तुम्हें एक बात बताऊं क्या, तुम यकीन नहीं करोगे, सुबह से बच्चा से लेकर बूढ़े तक मेरे पास आकर मुझे गाली देकर जा रहे हैं रे, पूरा गांव वाले सब खत्म हो गए हैं, अब मैं इधर नहीं रह सकता हूँ, अब मैं इधर से चला जाता हूँ, जाते जाते तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देकर जाता हूँ डैडी, कहकर बिज्जू को उसके पास छड़ी से अच्छे से पिटाई करके उधर से चला गया। ये देखकर मन में तरुण, अरे वाह आखिर में ये भीख मांगने वाले इस बेवकूफ बिज्जू को अच्छे से सबक सिखाया, अच्छा हुआ है अब जिंदगी में दान और धर्म करूंगा कहकर ज्यादा नहीं करेगा, सोचा। स्टूडेंट्स वर्सेस टीचर। एक गांव में एक कॉलेज हुआ करता था, उसमें एक लेक्चरर हुआ करता था, उसका नाम था आलसी राम। उसे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था, वो कोई ना कोई बहाना करके बिना पढ़ाए ही क्लास से चला जाता था।
एक दिन उसने क्लासरूम के पास आकर देखा कि अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर आलसीराम, अरे निकम्मो, क्लास में भरे पड़े हैं, इन्हें ये क्या बीमारी है? अरे गांव में इतने सारे साइबर कैफ, पब्स, पार्क्स, सिनेमास हैं, रेस्टोरेंट्स, तो ये सब यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे मेरे जान खाने के लिए। कहकर वो अंदर गया। उसको देखते ही सब स्टूडेंट्स खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर कहकर चिल्लाए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। अरे तुम तो हमेशा पिछले बंच में बैठते थे ना सीतापति, आज आगे बैठे हो। आप जो पढ़ाओगे उसे आगे से सुनना चाहता हूँ सर, पीछे साफ सुनाई नहीं देता। अरे मैं कुछ बताऊं तब ना सुनोगे, यूं मन में सोचकर, क्यों सटायर मार रहे हो? नहीं सर, MRF टायर है। सब जोर से हंसने लगे। इतने में एक, ए शट अप, साइलेंस, सर आज सीरियसली लेसन पढ़ाने वाले हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं पढ़ाता नहीं यही ना? अरे सबक वो नहीं होता जो पढ़ाया जाता है, जो खुद सीखो वही विद्या है। क्या तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों को इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं? रात के 1-2 बजे तक जाग कर मेहनत करता हूँ। मिडनाइट मसाला देखने के लिए ना सर। सहम कर, ये बात इन्हें कैसे पता चला? मैं तो अपनी पत्नी को भी इसकी भनक नहीं लगने देता। यूं सोचकर, ये कौन है बदतमीज, जिसने ये बात कही बताओ वो कौन है, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि वो कौन है, मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ। जब तक उसका पता ना चले मैं यूं ही खड़ा रहूँगा, आगे आप लोगों की मर्जी। बस बहाना चाहिए ना पढ़ाने के लिए, समझो आज का भी क्लास भाड़ में गया। सर आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, हमको पढ़ाइए सर, प्लीज सर। कह तो दिया नहीं, नो वे, आई वॉन्ट दैट फेलो। एक लड़का उठकर, क्या है सर, मैंने ही कहा था, तो अब क्या गलती हो गई है मेरी, आई एम सॉरी। बस उसे देख कर आलसीराम, अरे वो तुम थे? मैं समझा कोई और था बेटा। तुम तो VC के बेटे हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बैठो बैठो। कहकर मन में शुक्र है 30 मिनट निकाल दिया, बस और 20 मिनट मैनेज कर लूं तो बहुत है। यूं सोचकर अब मैं पढ़ाने वाला हूं। कल मैंने कहां तक पढ़ाया था? सर कल तो संडे था, कॉलेज बंद थी। ओ मैं तो भूल ही गया, ठीक है। परसों कहां तक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सर परसों आप लीव पर थे सर, पढ़ाया कहां? वेरी गुड। आज मैं आपको हिस्ट्री का पाठ पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री का मतलब क्या है? इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है? हिस्ट्री। हर एक का एक इतिहास होता है, वो देखो उसका एक इतिहास है, तुम्हारा एक इतिहास है, यूं ही मेरा भी एक इतिहास। ये तो सब जानते हैं सर, पढ़ाना शुरू कीजिए। यू शट अप, इतनी जल्दी क्या है, जो कह रहा हूँ सुनो। अब मैं अशोक चक्रवर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। वो बताने से पहले मैं एक छोटा सा टेस्ट रखता हूँ, देखते हैं कि आप लोग कितने होशियार हैं। अशोक चक्रवर्ती की तरह दो और व्यक्तियों के नाम बताओ, देखते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है सर, वे नाम हैं JD चक्रवर्ती और मिथुन चक्रवर्ती। अरे मूर्ख, मैं फिल्म एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ, इतना भी नहीं जानते, लानत है। इतने में आलसीराम का सेल फोन बजा। बज गई घंटी, अभी क्लास खत्म होने तक फोन पर ही लगा रहेगा। हेलो आलसीराम स्पीकिंग, हु इज दिस? दूसरी ओर कॉलेज का अटेंडर, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, वहाँ बैठे स्टूडेंट्स को तो और भी अच्छी तरह मालूम है। हे, मैं क्लासरूम में हूँ, डिस्टर्ब मत करो, बाद में फोन करना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ समझे, फोन काटो। क्यों रे, सच में फोन काट दूँ? हम दोनों इसी कॉलेज में पढ़े हैं, तुमने नकली सर्टिफिकेट्स दिखाकर लेक्चरर बन गए। मेरी किस्मत फूटी है जो मैं अटेंडर बनकर घंटी बजा रहा हूँ, हर बार तेरे क्लास में फोन करना, पहले ही बेल बजा देना, क्या यही मेरा काम है? अरे जल्दी से मेरा पेमेंट बढ़ा दो, वरना ना फोन करूँगा ना घंटी बजाऊंगा। ओ कम ऑन यार, इट्स ओके, कूल डाउन। वो दोनों ही कर देना, मैं ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, सी यू, बाय। एक, अब देखना जैसे ही ये फोन काटेगा घंटी बजेगी। जैसे ही उसने फोन काटा वहां घंटी बजी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल पढ़ेंगे।
आपने पढ़ाया ही कहाँ था सर, जो बाकी कल पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है सर? यू नॉटी स्टूडेंट, सब एक साथ पढ़ा दिया तो दिमाग पर जोर लगेगा, इसीलिए किश्तों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सी यू, कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद स्टूडेंट्स ने उसके खिलाफ प्रिंसिपल को शिकायत की, तो उसके साथ साथ अटेंडर को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।